है। गुज़िश्ता दिनों भारत ने मिशन शक्ति लॉन्च किया, जो कि एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। भारत इस टेक्नोलॉजी के और इसकी टेस्टिंग के बाद दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी का हसूल रखता है, और ना सिर्फ उसके साथ टेस्टिंग की एबिलिटी भी। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी और उसकी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्या होता है और ये किन मकासद के लिए किया जाता है? एंटी सैटेलाइट टेस्ट बेसिकली आर द टेस्ट जो कि दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है। इंडिया ने जो रिसेंट टेस्ट किया है दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू इंडियाज़ कैपेबिलिटी विच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी सैटेलाइट। फिलहाल जो उन्होंने टेस्ट किया है, उन्होंने अपनी सैटेलाइट को जो कि उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की थी उसको उन्होंने मार गिराया है। और जाहिर सी बात है, जंग के दौरान अगर आपकी रिकॉनिसेंस और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो कि सैटेलाइट बेस्ड हो, तो इससे जंग पर बहुत ही नेगेटिव असरात मरतब होते हैं। फिर किया कि भारत जब इस किस्म के मिसाइल टेस्टिंग करता है या एंटी सैटेलाइट टेस्ट, अब जब उसने ये किया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनके पास अगर मौजूद थी बट अब उसने उसकी टेस्टिंग कर ली, तो ये हमारे जो साउथ एशियन रीजन है, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि भारत की वजह से ही आपके जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वो आपको आर्म्स रेस में इंडल्ज नज़र आते हैं, तो इसके जनूबी एशिया पे, साउथ एशिया पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह के ISPR ने भी कहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कहा कि दिस वाज अ टेस्ट अगेंस्ट एन एनिमी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। भारत का इस वक्त इस टेस्ट करने का मकसद जो है समझ से बाहर है। पूरी क्योंकि दुनिया दूसरी ने जानब हमें मोदी सरकार की जानब से एक जी ट्वीट भी नज़र आई, उन्होंने कहा कि ये तो एक पीसफुल पर्पस के लिए ये टेस्ट किया गया है और इससे दुश्मन को ख़तरा नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि बाकी इदारे तनकीद कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासर कर सकता है, तो आपको किसी तौर पर आप इसको पुरअमन टेस्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का जिस तरीके से उन्होंने इसको शोकेस किया है, जिस तरीके से इस बारे में बात की है, ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं महसूस होता कि ये एक पीसफुल टेस्ट है। मनोज, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन फेसिंग इमेज प्रॉब्लम्स रिसेंटली, हाउ विल दीज प्रॉब्लम्स अफेक्ट द बीजेपी पार्टी एंड इट्स रिजल्ट फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस? Well, the image problem that there is a problem on image is in my view slightly misplaced, because as far as the image of Mr. Narendra Modi is concerned, being a prime minister, it is the image of the nation. As most indicators will tell you, the way the global community has stood with India on a whole multitude of issues, both multilateral and bilateral, and of course within India, the way people have stood up, cutting across religions and castes and regions, standing up on the call of Narendra Modi. I think the image problem is not much there. I think there is a significant upside rather from 14 where he was to where he is today, because in 14 it was hope and promises. In 2019 he at least has a report card to show what all he has achieved, whether the entire set of promises were achieved or not, or a lot of them are under work in progress, but even work in progress is a significant improvement. So I think he's handling his image fairly well. Okay, so Manoj, do you think Rahul Gandhi and his Congress party has a strong support in key areas of Hindustan such as Uttar Pradesh, Maharashtra and West Bengal? So we saw the last set of elections where Congress party came to power in three states. Of course, there's an upside and there's a lot of confidence compared to the despair within the party before that of continuously losing ground to Bharatiya Janata Party and even other regional parties in other states. Having said that, particularly as you were referring to Uttar Pradesh, Maharashtra and West Bengal, I think things are not so comfortable, because in Uttar Pradesh, as you are aware, the non-BJP parties are not really aligned to a coalition with the Congress as a part of it. So is the case with West Bengal.
Maharashtra is the only isolation where